Hello dear students, let's start with our chapter number 8 in our 6th class course book Honeysuckle. The title of the chapter is A Game of Chance. Let's start reading the chapter. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. यहाँ पर narrator बता रहा है कि हर साल उनके यहाँ ईद के मौके पर उनके गांव में एक मेला लगता था. ईद तो एक ही दिन होती थी, लेकिन मेला कई दिन चलता था. ट्रेड्समैन, व्यापारी, फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. और व्यापारी आते थे बहुत सारी चीज़ों के साथ उनके गांव में. टू सेल यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो. और आप मेले से सुई से लेकर भैंस तक कुछ भी खरीदना चाहें खरीद सकते थे. अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. और नरेटर बता रहा है कि वो अपने अंकल के साथ फेयर में गया था. जो उनके भैया थे वो भी घर पे काम करते थे, वो भी उनके साथ आए थे और वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. और अंकल एक क्राउड में से निकले जब वो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद हिम. और उनके जो फ्रेंड्स मिले वो चाहते थे कि वो के साथ कुछ समय बिताएं. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. और अंकल ने मुझे कहा कि मैं भैया के साथ रहूं जब तक वो वापस लौट कर ना आए. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. और मुझे ये करने में बड़ी खुशी थी. अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नोर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. और अंकल ने मुझसे कहा कि ना तो मैं दूर जाऊं और ना ही कुछ भी खरीदूं जब तक वो मुझसे दूर हैं. और ऐसा ही उसने प्रोमिस किया नरेटर ने. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. भैया और नरेटर कई दुकानों पर गए, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया अंकल के लिए कि वो आए हुए तभी वो कुछ खरीदेंगे. देन वी केम टू व्हाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. फिर वो एक लकी शॉप पर आए जिसका नाम था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नोर ओल्ड. ही वॉज ए मिडल एज्ड मैन. He seemed neither too smart nor too lazy. और वो दुकानदार कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रहा था और लेज़ी भी नहीं लग रहा था. He wanted anybody to try their luck. Everybody, वो हर किसी को कह रहा था कि अपना लक ट्राई करें. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. और वहाँ पर कुछ डिस्क रखी थी, उनके अंदर 1 to 10 फेस डाउन करके नंबर लिखे हुए थे. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे. आपको 50 पैसे पे करने हैं. पिकअप एनी 6 डिस्क. आपको कोई भी 6 डिस्क उठानी है. एड अप द नंबर्स. आपको उन 6 डिस्क के नंबर को एड अप करना है ऑन द डेस्क एंड फाइंड द टोटल. आपको टोटल निकालना है. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. जो उन 6 डिस्क पर जो भी नंबर्स आए हैं उनको ऐड करने के बाद जो नंबर निकला है, जिस आर्टिकल का वो नंबर है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी एज अ गिफ्ट. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क. एक ओल्ड आदमी ने 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क ले ली. ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम. उसने जो उन डिस्क पर 6 नंबर लिखे हुए थे उसने वो ऐड किए एंड फाउंड द टोटल वॉज 15. 15 उसका टोटल आया. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15. और उसको वो 15 नंबर का आर्टिकल दे दिया गया इनाम के तौर पर, विच वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक. वो एक सुंदर घड़ी थी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक. लेकिन उस ओल्ड मैन को घड़ी नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज. और शॉपकीपर ने उसके ऊपर उसको ओब्लाइज किया और उससे वो घड़ी 15 रुपये में खरीद ली. मतलब उस आदमी को तो 50 पैसे के बदले में 15 रुपये का मुनाफा हो गया. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज. और वो बूढ़ा आदमी बहुत खुशी खुशी वहाँ से चला गया. देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक. फिर एक लड़के ने अपना लक ट्राई किया. ही गॉट ए कॉम वर्थ 25 पैसे. उसने एक कॉम मिला उसको जो कि जिसकी कीमत 25 पैसे थी. द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड. शॉपकीपर ना दुखी था ना खुश लग रहा था. ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे. और उसने उस लड़के से वो कॉम 25 पैसे में खरीद भी ली. द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन. लड़के ने दोबारा से अपना लक ट्राई किया. ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज. अब उस लड़के को 3 रुपये का एक पेन मिला. देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट अ रेस्ट वॉच वॉर 25 रुपीज. और तीसरी बार उसको 25 रुपये की एक कलाई घड़ी मिली. वेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज. फिर उसको एक टेबल लैम्प मिला जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा थी.
द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश. वो लड़का खुश हुआ और काफ़ी सारा कैश वो वहाँ से लेकर जा रहा था क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें दुकानदार को बेच दी. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू. आई लुकड एट भैया और मैंने भी भैया को कहा नरेटर ने कि मुझे भी अपना लक ट्राई करना है, अपना भाग्य आजमा कर देखना है. ही एनकरेज मी और भैया ने भी मुझे एनकरेज किया, मुझे बढ़ावा दिया. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डेस. माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स. लेकिन नरेटर का लक इतना अच्छा नहीं था और उसने जब वो 6 डेस्क उठाई तो उसे मिली 2 पेंसिल. द शॉपकीपर बॉट देम फॉर मी फॉर 25 पैसे और शॉपकीपर ने 25 पैसे में उसे खरीद ली. आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू. इस बार उसको एक चाय की द्वात मिली लेकिन उसकी भी कीमत कम थी. द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे और शॉपकीपर ने उसको भी 25 पैसे में खरीद लिया. आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी. और इस बार दोबारा से उसने कोशिश की तो तीसरी बार भी उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया. आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन. और जो नरेटर था उसको लालच था कि वो अगली ट्राई में शायद अच्छा प्राइज जीत जाए. वो बार बार कोशिश करता रहा पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल. लेकिन उसे हर बार एक मामूली चीज मिलती. At last I was left with only 25 पैसे और आखिर में नरेटर के पास बस 25 पैसे ही बचे. Again the shopkeeper showed his kindness. दोबारा शॉपकीपर ने अपनी दया दिखाई. He said I could either pay once more with 25 पैसे और settle the account then and there. उसने कहा कि 25 पैसे के साथ वो एक बार और खेल सकता है या फिर यहीं अपना अकाउंट सेटल कर सकता है. I played again and the last 25 पैसे also disappeared और इस बार वो 25 पैसे भी उसके हाथ से जाते रहे. People were looking at me, some are laughing at my bad luck but none showed any sympathy. लोग देख रहे थे नरेटर को लेकिन कोई कुछ उस पर हंस रहे थे लेकिन कोई भी उस पर दया नहीं दिखा रहा था. भैया एंड आई went to the place where uncle and had left us and waited for him to return. Narrator अपने भैया के साथ वहाँ पर दोबारा चला गया जहाँ पर उसके अंकल ने उन्हें छोड़ा था. Presently he came और वो आ भी गए. He looked at me and said, Rashid, you look upset. और उन्होंने narrator को देखकर कहा कि राशिद तुम दुखी लग रहे हो. What is the matter? क्या हुआ? मतलब narrator का नाम क्या है? राशिद है. I did not say anything. मैंने कुछ नहीं कहा. भैया told him what had happened और भैया ने सारी बात उनको बता दी. Uncle was neither angry nor sad. अंकल ना गुस्सा हुए ना वो दुखी हुए. He smiled and patted me. वो मुस्कुराए और उनकी पीठ थपथपाई. He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella. वो उसको एक दुकान पर ले गए और उसके लिए एक सुंदर सी अम्ब्रेला खरीदी. बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स और भी ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट उसके लिए उन्होंने खरीदे. देन वी रिटर्न्ड होम. फिर हम वापस घर चले गए. बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी. घर जाकर उन्होंने बताया कि लकी शॉप के आदमी ने मेरा बेवकूफ़ बनाया है. नो अंकल आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक. मैंने कहा कि नहीं अंकल ये तो बस मेरा बैड लक था. नो माई बॉय सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक. ना ये गुड लक था ना ये बैड लक था. बट अंकल आई सेड, आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लोक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स. तो राशिद ने बताया कि अंकल मैंने तो एक लड़के को और एक बूढ़े आदमी को वहाँ से बहुत सारा इनाम और कीमती चीज़ें जीत कर ले जाते हुए देखा था. यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक. और अंकल ने बताया कि वो उसी के मित्र थे और वो तुम्हें लालच दे रहे थे, तुम्हें टेम्प्ट कर रहे थे कि तुम भी आकर्षित हो और उनके साथ अपने लक को आजमाओ. दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट. उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था और उन्होंने वो ले लिया. नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस. और चाचा जी कहते हैं कि अब सारी बातों को भूल जाओ और अपनी मूर्खता और अपने दुर्भाग्य के बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. बच्चों ये थी छोटी सी स्टोरी, आशा आपको पसंद आई हुई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.